पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री गोविंद कृष्ण झा जी, मंच के संचालन कर्ता श्री अरुण कुमार सिंह जी, नेता जनता दल यू, और यहां शिवहर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए जनता दल यू के उम्मीदवार श्री लवली आनंद जी, श्रीमती लवली आनंद जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग श्री रत्नेश सदा जी, माननीय विधायक शिवहर श्री चेतन आनंद जी, माननीय विधान पार्षद जनाब खालिद अनवर साहब, माननीय पूर्व मंत्री बिहार श्री गौतम सिंह जी, माननीय पूर्व विधायक जनाब सफरुद्दीन साहब जी, माननीय पूर्व विधायक शिवजी राय जी, वरिष्ठ नेता जनता दल यू श्री राणा रणधीर जी, आनंद मोहन और लवली आनंद जी के छोटे पुत्र श्री अंशुमान सिंह आनंद जी, जिला जनता दल यू अध्यक्ष सीतामढ़ी श्री रत्नेश कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष जनता दल यू शिवहर श्री कमलेश पांडे जी, जिला अध्यक्ष भाजपा शिवहर श्री नीरज कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री राधाकांत झा जी, डॉक्टर राम बहादुर प्रसाद जी, श्री प्रभु नारायण जायसवाल जी, श्री अरुण कुमार सिंह जी, श्री भरत कुमार सिंह जी, जनता दल यू के नेतागण श्री विजय विकास जी, श्री राणा राजीव जी, श्री दीन बंधु जी, श्री ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, श्री हरिओम कुशवाहा जी, श्री भरत कुमार पटेल जी, श्री रंजीत सहनी जी, जनाब सदरे आलम साहब, श्री हरिद्वार राय पटेल जी, श्री लाल बाबू पासवान जी, श्री हरिकिशोर सिंह जी, जनाब नेक मोहम्मद साहब, श्री राजेश कुशवाहा जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री प्रभु नारायण सिंह जी, यहां उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों और भाइयों, आज के कार्यक्रम में आप सब यहां उपस्थित हैं, मैं इसके लिए आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आप जानते हैं हम लोग आए हैं यहां पर श्रीमती लवली आनंद जी को भारी मतों से विजयी बनाइए, यही अनुरोध करने के लिए आए हैं। अब आप लोगों से हमको तो यही कहना है कि हम लोगों को जब भी मौका मिला काम करने का 2005 से, तो हमने बिहार के विकास के लिए काम किया। आज जो लोग पहले जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं करते थे, 2005 के पहले क्या स्थिति थी, शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था, समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब थी, कहीं सड़क नहीं था, जो भी तो जो उनका पूरा हाल था, बिजली कहीं नहीं थी, तो ये सब काम पहले था। लेकिन जैसे ही हम लोगों को मौका मिला, हमने सब काम करवाने का मौका दिया, एक एक तरह से सबको, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सब काम हम लोगों ने करवाया। कितना ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, कितना बच्चे बच्चियों को पढ़ने का इंतजाम किया गया,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति थी आप जानते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की उपस्थिति करवाई गई और यहां मुफ्त दवा और स्वास्थ्य जांच की सुविधा की गई और उसके पहले लोग काम नहीं कर रहे थे जिनको सरकार बनाने का मौका मिला। तो क्या स्थिति थी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीने में मुश्किल से 39 लोग आते थे और जब हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करवाया तब तो 11,000 लोग हर से अधिक मरीज हर महीने अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। और लड़कियों के लिए तो सब कुछ काम कराया गया। आप जानते हैं लड़कियों को इंटर पास करने पर 25,000 रुपया और स्नातक पास करने पर 50,000 रुपया हम लोगों ने देना शुरू किया। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोल दिया गया है और बालिका शिक्षा के कुल प्रजनन दर में कमी आई। अब आप समझ लीजिए कि पहले क्या स्थिति थी। अब हम लोगों ने जो सुधार किया है तो जो 2005 में प्रजनन दर 4.3 था अब घट करके 2.9 हो गया। अब हम हर तरह से लोगों को, और उसका कारण क्या था, अगर लड़का लड़की में लड़की अगर पढ़ी हुई है तो प्रजनन दर में कमी आती ये देखा गया, और जब लड़कियां पढ़ने लगी हैं तो काफी इसमें सुविधा होने लगा। तो ये सब चीज देख लीजिए एक एक तरह से काम किया गया है। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने कौन काम नहीं किया। आप समझ रहे हैं हिंदू मुस्लिम भी झगड़ा लोग करता था, हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा बंद करवा दिया। और ये लोग तो खाली अपना बोलते रहते हैं लेकिन कभी कुछ किया नहीं। आप जानते हैं तो जो भी मदरसा जितना था उसको कोई सरकारी मान्यता नहीं दिया था, लेकिन हम लोगों को जब सरकार आई तो हम लोगों ने मदरसों को मान्यता दी और उसके उसमें जितने भी लोग शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन देना शुरू किया। आप जितना भी था जो भी था आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा होता था तो जो कब्रिस्तान की घेराबंदी जो करवाई गई हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत कब्रिस्तान था झगड़ा होता था, तो हम लोगों ने लोगों से बात करके 2006 में कब्रिस्तान का कितना घेराबंदी 8,000 से ज्यादा करा दिया। अब फिर पता चला है 1,000 का, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी तो समझना पड़ेगा कि काम तो हम ही लोग किए, कोई झगड़ा नहीं होता था। आप वोट दीजिएगा, हम ही लोगों को जो काम करने वाले को वोट नहीं दीजिएगा, आज जो गड़बड़ किया है उसको वोट दीजिएगा तो आप ही का फिर नुकसान होगा, वो किसी के लिए काम नहीं करने वाला। हम लोग सब दिन काम किए हैं इसलिए ध्यान दीजिए, एक एक तरह से सब लोगों को ध्यान दीजिए। हमारा तो अभी बोल रहा था, बोलिए जो हमारे एमएलसी है तो ये सब एक एक बात बतिया रहे हैं आपको, तो जब तक एक एक बात जानिएगा नहीं कि हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं। आइए लोग कोई काम किया है जी, आज जरा बताइए ना कि हम लोग जो सरकार में आए तब पंचायत उनचायत का चुनाव ठीक होता था जी। अब बताइए जब हम लोगों ने शुरू किया 5 में हमने तय किया जैसे आए नवंबर में अच्छे से शुरू किया और उसमें हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। जब केंद्र में कानून बना था उस समय हम एमपी थे, उस कमेटी के हम भी मेंबर रहे थे, तो हम तो पूरा किए थे कि महिलाओं को पूरा होना चाहिए, तो इतना ही हुआ कि कम से कम 1/3 होना चाहिए महिलाओं के लिए कम से कम। तो हमने कहा कि चलिए, और जब यहां पर हुआ तो हमने कहा महिलाओं को 50%, और एक साल के बाद नगर निकाय में भी हम लोगों ने 50% किया। 4 चुनाव हो चुका, आप देख लीजिए महिलाओं के लिए सबको जगह मिली है। और उसके अलावे और क्या था जी, स्वयं सहायता समूह जो था देश भर में, और स्वयं सहायता समूह में सब में महिलाएं रहती थी। हम जो जब केंद्र में थे
या एमपी थे, जगह जगह घूमते थे, देखते स्वयं सहायता समूह में महिलाएं रहती हैं, लेकिन जब यहां पर हम बने मंत्री बनके तब देखने गए तो देखा कि यहां स्वयं सहायता समूह में महिलाएं बहुत कम न के बराबर थी, तो हमको बड़ा खराब लगा। हमने तुरंत कहा कि स्वयं सहायता समूह को बढ़ाएंगे, तो इसलिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह को खूब बढ़ाया, और स्वयं सहायता समूह को बढ़ाया और उसका जो महिलाएं उसमें रहती है लड़कियां, उसका नाम हमने दे दिया जीविका, और हम जीविका दीदी कहते हैं। और उस समय जानते हैं केंद्र में जो सरकार था हम लोगों के खिलाफ था, तो वो आया था देखने के लिए। जब हम लोगों ने यहां इतना ज्यादा करवा दिए स्वयं सहायता समूह और नाम दे दिया हम लोगों ने जीविका, तो कहा कि भाई आप तो ठीक काम किए हैं, लेकिन आपने जीविका नाम दे दिया है तो देश भर में हम स्वयं सहायता समूह में महिलाओं का नाम आजीविका दे देते हैं। आप बोलिए बिहार की जीविका आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आजीविका हो गई है। अब आप सोच लीजिए क्या काम किया, भूलिएगा मत, नहीं तो हम पहले किए हैं तब बिछड़े में भूल जाइएगा, ये अच्छी बात नहीं है। कैसे काम हुआ, और हम जब जीविका किए तो आजीविका देश में कैसे बन गए, आज कितनी बड़ी संख्या है स्वयं सहायता समूह की, संख्या 10,51,000 हो गई, और उसमें कितनी ज्यादा जीविका दीदियां जिनको हम बना दिए उसकी संख्या 1,31,00,000। अब तो हम शहरी क्षेत्र में भी करा दिए, तब उसकी संख्या तो और कितना। और आप जानते हैं आई जीविका दीदियों से सब जगह हम बात करते हैं, आ कितना बढ़िया बोलती है, कितनी अच्छी भाषा उसको आ गई है, तो आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा ज्ञान हो गया। तो हर तरफ से उसको शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया, लड़कों को भी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, एक एक तरह का काम हम लोगों ने सब तरह से किया, आप पूरे तरफ से सब जगह से काम किया। और आप जानते हैं हम लोगों ने तो सब काम किया, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, कहां था पहले, कहीं बिजली था जी, आज सभी कौन बनवाया है, हम ही लोग ने करवाए हैं। और उसके अलावे सब तरह का सड़क का, पुल पुलिया का निर्माण, और हम लोग घूम घूम करके देखते रहते हैं कहीं कोई कमी है उसको और पूरा करेंगे, तो आगे भी कोई तरह की कमी रहेगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। और आप जानते हैं ना, आप समझ रहे हैं सरकारी नौकरी और रोजगार का क्या, ये लोग तो कुछ से कुछ बोलते रहता, अब बीच में तो हम ऐसे ही साथ ले लिए थे, हम सबको मौका दिए थे, तो वही अपना कह रहा है तो कुछ ही करेगा, इसलिए गड़बड़ किया तो हमने छोड़ दिया, और हमने कहा कि हम कभी साथ नहीं, और हम लोग तो पूरा जो एक साथ हम लोग भाजपा एक साथ हम लोग रहेंगे। तो इसीलिए बाकी सब चीज आप देख लीजिए, 5 से 20 के बीच में 8,00,000 लोगों को नौकरी और लाखों लोगों को रोजगार, और हम लोगों ने तय किया 2020 में 10,00,000 लोगों को नौकरी देंगे, 10,00,000 लोगों को रोजगार, 4,00,000 हो गया, 1,00,000 का और पूरा हो रहा, 3,00,000 का भी काम शुरू, यानी अगले साल के अंत के पहले तो हम लोग पूरा का पूरा 10,00,000 करा देंगे, और 5,00,000 लोगों को रोजगार। तो सब काम हम लोग करवाते हैं, बाकी को काम किया थी। तो एक एक तरह से सब तरह से काम हम लोग पूरे तौर पर से कर रहे हैं, तो हर प्रकार से हम लोग काम पूरे तौर पर कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए तो आप जानते हैं हमने तो पुलिस में भी महिलाओं को 35% दिया, और बिहार में कितना 30,000 पुलिस में महिलाएं, और ज्यादा संख्या तो और बढ़ने करेगी, और कहीं नहीं है। और बाकी सब जगह हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया, तो हर प्रकार से काम किया। आज जाति आधारित गणना भी हम लोग कितना बढ़िया करवाए हैं जी, ये तो हम ही ना करवाए हैं, ये कांग्रेसिया आजकल बोलता है कि जाति आधारित गणना कराएंगे, और जब हम साथे थे तो हम कह रहे थे कि भाई जाति आधारित गणना कराइए, तो किया नहीं, हमारी बात को रिजेक्ट किया। तो यहां पर देखिए ना, हम तो इनको बराबरे कह देते हैं संजय झा जी को, अब मीटिंग में तो हम थे तो ये भी साथे थे, तो इनको भी तो कह देना चाहिए था, तो ये कहबे नहीं करते हैं कि आप जानते हैं वो माना नहीं, लेकिन अब जब हम अलग हो गए तो कह रहा जाति आधारित गणना कराएंगे। अरे क्या जाति आधारित,
हम लोग तो सबको साथ लेकर के कराए। आज जाति आधारित गणना में आप जानते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी, बहुत लोगों ने 50% को बढ़ा करके 65% कर दिया और सामान्य वर्ग का 10% होता था, तो पहले 50 + 10 = 60 होता था, अब उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 75 कर दिया, अब आप समझ लीजिए। और उसके अलावे सबकी आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन हम लोगों ने किया और जानते हैं कि चाहे अपर कास्ट हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, कोई हो, सबके बारे में हम लोगों ने किया कि लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, तो 94 लाख परिवार मिला जिसमें अपर कास्ट और सभी जाति के लोग थे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब, तो हम लोगों ने तय किया कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार करेंगे और उसके लिए 2 लाख रुपया हर परिवार को देना हम लोगों ने शुरू किया, तो एक एक तरह से काम कर दिया। और सीतामढ़ी के लिए और शिवहर के लिए तो सब काम किया ही ना गया है भाई, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक स्थान, महिला आईटीआई, आईटीआई, जीएनएम संस्थान सब किया गया और सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण शुरू करा दिया 515 करोड़ रुपया का। हर तरह से काम हम लोग एक एक तरह से कर रहे हैं और सब जगह से पूरा का पूरा काम। और आप जानते हैं ना, अब माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम, अब उसके लिए हम कितना किए आप समझ रहे हैं ना, सीतामढ़ी में कोई चीज छोड़े है उसका सब काम हम लोग करवाए, तो एक एक तरह से सारा काम। और यहाँ पर जो हम लोग आए हैं बेलसंड में, तो यहाँ भी क्या नहीं किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में A&M प्रशिक्षण संस्थान, तरियानी और परसौनी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ITI की स्थापना, सब कुछ किया गया, बिजली के क्षेत्र में काम और हर प्रकार से काम किया। और पंचायत सरकार भवन का भी हम विस्तार कर रहे हैं, तो पंचायत सरकार यहाँ पर 5000 का हुआ है, अगले साल के अंत तक पूरा का पूरा हर पंचायत सरकार का भवन बन के तैयार हो जाएगा। तो हम लोग तो एक एक काम कर रहे हैं और जहां भी काम कर रहे हैं हर जगह जा करके कहीं कोई कमी रहेगी। अब यहाँ देखिए ना भाई, आप पहले देखते थे यहाँ आने जाने का कोई रास्ता था, खूब अच्छी तरह जानते हैं ना कि क्या स्थिति थी, कहीं ये सब का जाने का था, हम तो 2005 में ना घूम रहे थे तब देखा कि स्थिति बड़ी खराब है, तो तुरंत हम सड़क बनवा दिए, तो कौन काम नहीं किए, और आगे भी सब काम हम लोग करते रहेंगे। तो इसीलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि भाई लवली आनंद जी को जिताइए, आई काम करने वाली है, अभी बोल न रही थी सब बात, हमारी बात भी बोल रही थी, आई काम करने वाली है, हमसे बराबर मिलती है, हमसे बराबर बात करती है, आई एक बार लड़ रही थी, आप जानते हैं ये कब की बात है, 14 ना है, अरे नहीं 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 1994 की बात हम कह रहे हैं, 94 में ना तू तो लड़ी थी ना वहां है, अब वैशाली से लड़ रही थी, आज जानते हैं हम तो पार्टी से पटिए छोड़ दिए, हम नहीं गए ताकि ये जीत जाए, वहां जीत जीती, और उसके बाद से तो सब हम लोग साथ थे, अब उसके बाद फिर से हम लोग साथ, तो इसीलिए बहुत अच्छे ढंग से काम करेगी। तो हम तो यही आग्रह आपसे करेंगे कि लवली आनंद जी को जिताइए, हमारी तो एक ही इच्छा है कि पूरे तौर पर लोग जीतेंगे। और आप जानते हैं कि हम तो चाहते हैं कि बिहार में 40 सीट है तो 40 सीट हम लोग जीत जाएं और देश में 400 से ज्यादा सीट जीते और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, तो एक एक तरह से चीज होगा, देश आगे बढ़ेगा, बिहार का पूरा विकास होगा। हमारा यही आग्रह है कि श्रीमती लवली आनंद जी को आप जिताइए, आप भारी वोट से जिताइएगा, हमारा अनुरोध, तो जिताइएगा कि नहीं, हाथ उठा के बताइए, सब हाथ उठाइए, कहां ने हाथ उठा रहा, तो आप जब जिताइएगा तो लाइए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।